नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया पर। अभी हम बात करने वाले हैं देश भर में 1 जनवरी से जो 10 नियम बदलने वाले हैं उनके बारे में, और आपको बताएंगे उन सभी 10 नियमों के बारे में कि देश में कौन कौन सी चीजें बंद होने वाली है और किस किस चीज में बदलाव होने वाला है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो जैसी ही जानकारियां सबसे पहले देखने को मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उन सभी 10 नियमों के बारे में जो बदलने वाले हैं। तो 1 जनवरी 2021 से देश भर में सभी व्हीकल्स के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। वहीं 1 जनवरी 2021 से नए व्हीकल समेत पुराने व्हीकल जो कि 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए हैं, सभी व्हीकल्स के लिए पूरी तरीके से फास्टैग अनिवार्य होने वाला है। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह भी अनिवार्य है कि किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल वाहन पर फास्टैग लगे होने के बाद ही किया जा सकता है। इसके साथ ही नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते वक्त भी आपको फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बात करें अगले नियम की तो आपको बता दें, अब कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा को बढ़ाए जाने का भी फैसला किया गया है। ग्राहक अब इस माध्यम से 2,000 रुपए के बजाय 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन एक बार में ही कर सकेगा। ये बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली है। इसके साथ ही चेक पेमेंट से जुड़ा भी एक बड़ा नियम सामने आ रहा है। तो आरबीआई के मुताबिक चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। इस नए सिस्टम के तहत चेक से 50,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। हालांकि अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को SMS, इंटरनेट बैंकिंग, ATM या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जानकारी बैंक को देनी होगी। यानी कि अगर आप किसी को चेक देते हैं और अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है और आप अपनी पूरी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको SMS, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए बैंक को ये इंफॉर्मेशन देगी होगी कि मैंने एक चेक दिया है जो कि 50,000 या उससे अधिक का है। तो ऐसे में आपको ये दोबारा कंफर्म करने की जरूरत होगी। हालांकि अभी तक ये सिस्टम आपके लिए मैनुअली लाया जा रहा है, आप चाहे तो इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, नहीं चाहे तो पुराने सिस्टम से, जैसा कि चेक देते ही जब चेक दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो बैंक से पैसे ले सकता है। तो ऐसे में आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप पुराने सिस्टम से ही काम चलाना चाहेंगे या फिर नए सिस्टम का फायदा लेंगे। वहीं देश में जनवरी 2021 से कारों की कीमतें 5% तक बढ़ने वाली है। इन कारों में मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनो इंडिया, होंडा क्वार्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड इंडिया, इसुजू, BMW इंडिया, ऑडी इंडिया, फॉक्स वैगन, ये सारी कंपनियां हैं और इन सभी कारों की 5% ज्यादा रेट बढ़ने वाली है। ऐसा भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें, GST यानी कि वस्तु और सेवा कर कानून के तहत 1 जनवरी 2021 से B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ई इनवॉइस जरूरी होगा। वही 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्स पेयर्स के लिए B2B ट्रांजैक्शन पर ई इनवॉइस जरूरी होने वाला है। ये सिस्टम फिजिकल इनवॉइस की जगह लेगा, जल्दी वर्तमान ई वे बिल सिस्टम को भी हटा देगा और टैक्स पेयर को अलग से ई वे बिल जनरेट नहीं करना होगा।
इसके साथ ही सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से साल के दौरान केवल 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। वर्तमान की बात करें तो फिलहाल हर महीने यानी कि 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं एक साल के दौरान। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने की योजना का असर करीबन 94 लाख करदाताओं पर पड़ने वाला है। वहीं UPI से जुड़ा भी एक बड़ा नियम बदलने वाला है। MPCI ने UPCI में प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन के फुल वॉल्यूम पर 30% की सीमा लगाई है, जो सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए लागू है। यह नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। 30% की सीमा को पिछले 3 महीने के दौरान UPI में प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ फोन में अब व्हाट्सएप भी नहीं चलने वाला है। वहीं लैंडलाइन और मोबाइल से कॉल करने का भी एक नया नियम लागू होने वाला है। अगले साल 15 जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। वही लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से वो 10 नियम थे जो कि जनवरी 2021 में बदलने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा वीडियो था, हमने आपको बताया कि कौन कौन से 10 नियम हैं जो बदलने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसे ही खबरें, ऐसे वीडियो और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।